आज इस वीडियो में उस सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली इंडियन स्किन के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में एक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सनस्क्रीन है। अब ये सनस्क्रीन अंडररेटेड क्यों है इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने इस सनस्क्रीन को पहली बार देखा था तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसे देख के मुझे भी नहीं मन कर रहा था कि मैं इसे यूज करूं। इसकी पैकेजिंग को देख के लगता है जैसे किसी मेडिकल स्टोर से कोई एंटीसेप्टिक क्रीम खरीदी है। लेकिन मैंने अपनी सोच को साइड में रखा और फाइनली सनस्क्रीन को यूज करके देखा और उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जलवा है हमारा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा जब आप ये वीडियो पूरा देखोगे। हेलो, मेरा नाम है ऋषि निषाद एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। ये है डॉक्टर सेठ सिरेमाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन और इसे मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, उसके बाद जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। नो। इस सनस्क्रीन को मैंने खुद अपने पैसों से मंगाया, यूज करा है और इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेगा इस सनस्क्रीन को लेके। तो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आती है सनस्क्रीन और इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक SPF 50 सनस्क्रीन है जो PA++++ रेटिंग के साथ आती है। ये एंटी पॉल्यूशन एंड एंटी विजिबल लाइट भी है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, यानी आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के सामने बहुत ज्यादा देर तक अपना टाइम स्पेंड करते हो तो फिर वो जो डिवाइस होते हैं उनसे कुछ ब्लू लाइट एमिट होती है और ये सनस्क्रीन आपको उनसे प्रोटेक्शन भी देगी। और इसके मेन इंग्रेडिएंट है 1% सिरेमाइड कॉम्प्लेक्स, 2% विटामिन सी कॉम्प्लेक्स एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड। और ये सनस्क्रीन आपको UVA एंड UVB दोनों रे से प्रोटेक्शन देगी, यानी ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। इस सनस्क्रीन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है और वो ये है 3 generations ऑफ एक्सपर्टीज, यानी इस सनस्क्रीन के पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है वो भी इंडियन मार्केट में। लेकिन मैं सच कहूंगा मैंने इसका नाम अभी 1.5-2 साल पहले ही सुना है। पर कोई बात नहीं, इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, उसका सिंपल सा मतलब ये था कि बुक के कवर के अंदर भी आपको देखना चाहिए और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू नो मोर कट फ्रॉम हेयर। पहले इस बॉक्स को दोनों साइड से ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो यहाँ से फटाफट कट कर लेते हैं। और अब इसे खोलने पे आपको दिख रहा होगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन बाहर लिखी हुई थी उससे जस्ट डबल इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और ये डायग्राम मैं कह सकता हूँ कि सबसे ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन है कि आपको कोई भी सनस्क्रीन क्यों यूज करनी चाहिए। बेसिकली आपकी स्किन की 3 layers होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो फिर UVB रे जो होती है वो आपकी एपिडर्मिस लेयर को पेनिट्रेट कर सकती है और आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड UVA रे जो होती है वो आपकी एपिडर्मिस, डर्मिस दोनों लेयर को पेनिट्रेट कर सकती है एंड देन आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। और ये दोनों चीजें तब होंगी जब आपने कोई भी सनस्क्रीन नहीं यूज करी है। और अगर आपने एक अच्छी सनस्क्रीन यूज करी है तो फिर वो आपकी स्किन पे एक लेयर बना देगी जो UVA एंड UVB दोनों रेज को रिफ्लेक्ट कर देगी और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो जब भी आप कोई भी सनस्क्रीन खरीदो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होनी चाहिए जो आपको UVA एंड UVB दोनों रे से प्रोटेक्शन दे। और इस साइड पे लिखा हुआ है द राइट वे टू फॉलो आवर स्किन केयर रूटीन जो है क्लेंस, करेक्ट, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट। क्लेंजिंग का मतलब है आप कोई भी फेस वॉश या क्लेंजर यूज करके अपने फेस को क्लीन करो पहले। करेक्ट का मतलब है आप अपने फेस पे कोई भी टोनर या सीरम यूज कर सकते हो अपनी स्किन को रिस्टोर करने के लिए। फिर थर्ड स्टेप में आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है और फोर्थ स्टेप में आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है सनस्क्रीन यूज करके। बची ये वाली साइड तो यहाँ पे सनस्क्रीन के कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं अलॉन्ग विद देयर बेनिफिट्स। अब ये सनस्क्रीन बेसिकली काम कैसे करती है, तो इसमें मिनरल एंड ऑर्गेनिक फिल्टर है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं यूवी रेस से। दूसरी चीज इसमें सिरेमाइड कॉम्प्लेक्स है जो ना सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट और प्रोटेक्ट करता है बल्कि आपके स्किन बैरियर्स को भी रिस्टोर करता है। अब स्किन बैरियर्स का काम क्या होता है, तो स्किन बैरियर्स ह्यूमंस की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्किन बैरियर्स बेसिकली आपकी स्किन को एक्सटर्नल थ्रेट जैसे इन्फेक्शियस एजेंट, केमिकल्स और एलर्जन से प्रोटेक्ट करते हैं। और होता क्या है कि बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है और उसी कंडीशन में काम आते हैं सिरेमाइड कॉम्प्लेक्स जो आपकी सेंसिटिव स्किन को रिस्टोर करते हैं और आपके स्किन बैरियर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। तीसरी चीज, हाइपरपिगमेंटेशन इंडियन स्किन के लिए एक मेजर कंसर्न है और इसीलिए इसमें विटामिन सी है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन को ब्राइटन करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ हाइपरपिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। चौथी चीज, इसमें हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और उसे प्लम्प बनाता है। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं मॉर्निंग में जिम जाता हूं तब इस सनस्क्रीन को यूज करता हूं और अगर मुझे जिम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो फिर मैं आते टाइम भी इसे रीअप्लाई कर लेता हूं क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा धूप हो जाती है। इसकी कॉइन साइज क्वांटिटी लेता हूं और अपने पूरे फेस, नेक और ईयर्स पे लगा लेता हूं जिससे मेरी जो स्किन है वो फुली कवर हो जाए। बहुत ज्यादा लाइट सनस्क्रीन है ये और जब आप इसे अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो भी रहता है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप बहुत ज्यादा देर तक के लिए सन एक्सपोजर में हो तो आपको हर 2-3 घंटे बाद इसे रीअप्लाई करना पड़ेगा किसी भी नॉर्मल सनस्क्रीन के जैसे। फाइनली अगर मुझे एक लाइन में सनस्क्रीन के बारे में कुछ भी कहना हो तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी है ये सनस्क्रीन। इस सनस्क्रीन को मैंने लगभग 1 साल पहले मंगाया था, 19 मार्च 2023 को मुझे डिलीवर हो गई थी सनस्क्रीन, लेकिन तब से ये पैक्ड रखी थी, मैंने इसे यूज ही नहीं करा था। रीजन कोई स्पेसिफिक नहीं था, मेरे पास और भी बहुत सारी सनस्क्रीन थी तो फिर मैं उन्हें यूज करता था और इसे देख के टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी इसे यूज करने का मन भी नहीं करा था। लेकिन मैंने सनस्क्रीन को ऑर्डर इसलिए करा था कि इसको यूज करके इसकी प्रॉपर्टी
टेस्टिंग करके फिर इस पे वीडियो बनाऊं। तो कुछ टाइम पहले मैंने इसे यूज करना स्टार्ट करा और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पहले ही यूज कर लेनी चाहिए थी ये सनस्क्रीन, तो फिर काफी पहले ये वीडियो आ चुकी होती। पर अब इसे यूज करके एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन है जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है इंडियन स्किन के लिए। ऊपर से ये ओवर प्राइस्ड भी नहीं है, क्योंकि बाकी सनस्क्रीन जो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में जो इतनी चीजें ऑफर करती है वो इससे काफी महंगी है। 50 ग्राम की ट्यूब है और जब मैंने इसे एक साल पहले मंगाया था तब इसका प्राइस था 321 रुपए और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका प्राइस है अराउंड 400 रुपीज। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है ऑनलाइन, इसीलिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहां से आके इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है तब आप इस सनस्क्रीन को जरूर यूज करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। मैं खुद रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे एक साल पहले इसे यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। फ्यूचर में इस चैनल पे और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जो आपकी स्किन को बेटर करेंगी और अल्टीमेटली आपकी लाइफ को भी बेटर करेंगी, क्योंकि तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अगर आपको स्किन केयर रूटीन या फिर उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल पे आपको क्वालिटी वीडियोस ही मिलेंगी। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर देना, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स, तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आया है, नहीं पसंद आया तो मत करना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ग्रूम एंड स्टार्ट यूजिंग अ सनस्क्रीन इन समर। ये सनस्क्रीन या कोई भी सनस्क्रीन आप यूज करो लेकिन यूज जरूर करो। ऋषि निशा साइनिंग ऑफ, अंटिल यू सी मी नेक्स्ट टाइम, टाटा।